हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, भले चंगे होंगे। और न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आप लोग को कैसा लगा। मैं सोच रही हूँ ना, कब से वीडियो बनाऊँ। मैं एक वीडियो लेकर आई थी, पिछला वाला जो वीडियो है, उसके बाद मैं आप लोग को बोली थी कि मैं अपनी यूट्यूब की जर्नी शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो रोज़ सोचती थी मैं बनाऊं बनाऊं, लेकिन बना नहीं पा रही थी। तो आज मैं आप लोग के साथ अपनी YouTube की जर्नी शेयर करूंगी। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और क्या क्या परेशानी हुआ सभी चीज़ें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। और कितने दिन में मेरे चैनल मोनेटाइज हुए, मेरा पेमेंट आया नहीं आया, सब बताती हूँ मैं आप लोग को इस वीडियो में। तो वीडियो पे बने रहिएगा और वीडियो पसंद आता है तो मेक श्योर लाइक, शेयर ना सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ मैं। और स्टार्टिंग ऐसा हुआ मेरा यूट्यूब का कि मैं शादी से पहले वीडियोस वगैरह देखती थी, ब्लॉग्स वगैरह, तो मेरे को अच्छे लगते थे। तो मैं उस समय से ही सोचती थी कि क्यों ना मैं अपना ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूं। तो ऐसा था कि मैं तो जॉब करती थी पहले, प्राइवेट जॉब करती थी शादी से पहले। तो मैं कहीं जाना आना तो बहुत कम, कभी कभार होता था, लेकिन हाँ अंबिकापुर में रहना है तो मैं सोचती थी कि चलो स्टार्ट करती हूँ। लेकिन फिर मैं सोची कि क्यों ना मैं शादी के बाद स्टार्ट करूँगी। तो 2020 में हम लोग की शादी हुई थी और शादी के मार्च में शादी हुई थी और अप्रैल में मैं अपना एक यूट्यूब चैनल बनाई। और मैं किसी को बताई नहीं थी कि मैं चैनल बना रही हूँ। तो मैं उसमें फिर वीडियोस डाली, ठीक है, डाली एकाक महीने आसपास डाली। उसके बाद में क्या हुआ कि रोज़ लेकिन मैंने डालती थी, कभी कभी डालती थी। फिर क्या हुआ कि मैं YouTube में वीडियोस डालना बंद कर दी। क्यों बंद कर दी? क्योंकि मेरा मोबाइल एक महीने में शायद तक ख़राब हो गया था। तो फिर मैं एक महीने के बाद उसको बनवाई, फिर मैं YouTube में वीडियो डालना चालू की। 2020 की बात बता रही हूँ। और कभी कभी डालती थी, ससुराल में थी मैं। और आप लोगों को बताऊँ कि इतनी परेशानी हुई मेरे को यूट्यूब चैनल बनाई उसके बाद में वीडियोज़ में डाल ही नहीं पाती थी वीडियोज़, करके घर के काम ही इतने हो जाते थे और किसी का सपोर्ट नहीं था मेरे साथ कि कैमरा उठाओ तो बातें बनाने लग जाते थे लोग तरह तरह के। उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगी क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है बोलने पे। तो जैसा भी रहा, 2020 ख़त्म हो गया, 2021 आया। मैं कभी कभी वीडियो डालती थी, कभी कभी, मतलब कि 2020 और 21 के बीच में मेरा लगभग 60-70 वीडियो ऐसे ही था, मतलब बहुत ही कम। और सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ने तो क्या, उतने के उतने ही थे, कम हो जा रहे थे मेरे। तो फिर मैं उसको बढ़ाने के लिए मैं लाइव आया करती थी, दूसरों के लाइव में जाया करती थी। तो इस तरह से सब्सक्राइबर और वॉच टाइम मैंने कंप्लीट किया। और 2020-21 ऐसे ही निकल गया। अब 22 आया तो मेरे सब्सक्राइबर बहुत बढ़ चुके थे और वॉच टाइम भी बहुत हो गया था। फिर अपडेट हुआ ना अचानक से, साल भर का अपडेट होता है, तो मेरे वॉच टाइम बिल्कुल कम हो गए, बिल्कुल भी। और अभी भी ऐसा है कि मैं वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, क्यों पता नहीं, मतलब कि ऐसे बिजी हो जाती हूँ बच्चे को लेकर। आप लोगों को पता है मेरी छोटी सी बेबी है तो उसके साथ मैं इतनी बिजी रहती हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता मेरे को कि मैं वीडियो डालूं। बनाती हूँ तो एडिटिंग नहीं हो पाता कभी कभी। और फिर फाइनली 2022 में मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर मार्च नहीं 2021 लास्ट में ही कंप्लीट हो गए थे सब्सक्राइबर मेरे, लेकिन वॉच टाइम नहीं थे। तो फिर मैं वॉच टाइम बढ़ाने के लिए वही लाइव वगैरह करी। उसके बाद में 2022 में जून जुलाई आसपास में मेरे चैनल पे वॉच टाइम कंप्लीट हो गया और मैं चैनल मोनेटाइज कराई।
इसके बीच में काफ़ी परेशानी हुआ है, काफ़ी कुछ मैं घर से सुनी हूँ कि नहीं वीडियो बनाती है। मैं आप लोग को बता दूँ, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और जब मैं मेरे को वीडियो बनाना रहता तो मैं किचन में तो बनाती नहीं थी, क्योंकि वहाँ ना बिल्कुल भी छोटे छोटे बच्चे लोग थे, काफ़ी ज़्यादा परेशान भी करते थे। तो मैं क्या करी थी कि अपने रूम का, जो अभी मैं हूँ यहीं पे, पहले मेरा रूम था, और मैं यहाँ का पूरा गैस चूल्हा लेके चल गई थी। हम लोग रूम खाली कर दिए थे तो पूरा सामान मैं वहीं लेके गई थी, और अपने मतलब कि जहाँ हम लोग रहते थे बेडरूम में ही मैं किचन सेट कर ली थी, तो वहाँ मैं रेसिपी शेयर कर दी थी उस समय ज़्यादा। आप लोग पुराना वीडियो देखिएगा, काफ़ी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं शेयर की हूँ, तो वहाँ रेसिपी शेयर कर दी थी। तो मैं बनाती थी तो उसमें भी मेरे को सुनने को मिलता था, बहुत कुछ सुनने को मिला है मेरे को, लेकिन मैं कोई भी चीज़ें आप लोग के साथ, वो सब चीज़ें मैं भूल चुकी हूँ अब, तो अब मैं बोलना नहीं चाहती हूँ। और अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा हिल रहा होगा क्योंकि मैं ट्राईपोड पे लगाई नहीं हूँ। तो मैं बहुत 3-4 साल संघर्ष करी, तब कहीं जाके मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ, और फिर मोनेटाइज के बाद में भी ये भी है कि मैं वीडियो रेगुलर डाल ही नहीं पाती, अभी भी नहीं डाल पाती हूँ। तो क्या होता है कि पेमेंट की बात अब आती है कि आप यूट्यूब से कमाती कितना है, तो इस पर मैं अलग से वीडियो डाल दूँगी इसके बाद आएगा मेरी यूट्यूब की पेमेंट के बारे में। तो ऐसी रही मेरी यूट्यूब की जर्नी, बहुत संघर्ष भरी थी, बहुत कुछ मैंने झेला है इस पर, और अभी आप लोग सपोर्ट करिए मेरे को, और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट करके तो ज़रूर बताइएगा कैसी रही। बहुत ही स्ट्रगल की हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि कहीं भी जाती थी ना मैं तो कैमरा उठाओ तो फूलने लग जाते थे, मैं वीडियो नहीं बनाती थी, दिन भर मोबाइल पर रहती है। यहाँ तक नौबत आता था कि मोबाइल पटक देंगे, लव मोबाइल पटक देंगे, ऐसे तक बोले हैं किसी किसी ने मेरे को। और अभी फिलहाल पे मेरे हस्बैंड सपोर्ट करते हैं, वीडियोस वगैरह बना देते हैं, लेकिन शुरू शुरू में वो भी सपोर्ट नहीं किए हैं मेरे को। तो सबकी लाइफ में होती है, तो आप लोग मोटिवेट हो जाइए, जो भी यूट्यूब चैनल बना रहे हैं या फिर जिसके फैमिली वाले सपोर्ट नहीं करते हैं, तो परेशानी सबकी लाइफ में होती है, तो हमको उस परेशानी को झेल करके आगे बढ़ना होता है। और अगला वीडियो आएगा पेमेंट वाली, तो इंतज़ार करिएगा ज़रूर, मैं ज़रूर लेकर आऊँगी। और हाँ, एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूँ, अभी तक मेरे सब्सक्राइबर जितने मोनेटाइज टाइम पे थे ना, 1 साल हो गए, उतने लगभग घट जाते हैं। क्यों पता नहीं, लोग ना छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट ही नहीं करना चाहते, हेल्प करना नहीं चाहते। वो लोग को बड़े यूट्यूबर ना जो लाखों कमाते हैं उनका ही वीडियो पसंद आता है, भले वैसा ही वीडियो रहे, कुछ ना रहे उनके वीडियो में, लेकिन उनके वीडियो पे व्यूज आएंगे, उनके वीडियो पे वॉच टाइम बोलती हूँ पेमेंट भी अच्छा खासा आएगा, और उसके वीडियो में अच्छे कमेंट भी आएंगे, और सपोर्ट उन्हीं का करेंगे लोग। ये पता है उन लोग को कि वो लोग कमा रहे हैं लाखों, और जो छोटे यूट्यूबर हैं जैसे हम जैसे यूट्यूबर हैं जो कि बहुत कम के ना के बराबर कमाते हैं, जिनका पेमेंट नहीं आता है, जो दिन रात मेहनत करते हैं, चलिए मैं तो रोज़ वीडियो नहीं डालती हूँ, लेकिन जो डालते हैं वो मेहनत सभी की होती है, अच्छे से वीडियो डालते हैं लेकिन व्यूज़ नहीं आता है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़े, मेरे फैमिली बढ़े यूट्यूब की, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन जब नहीं बढ़ते हैं ना तो बिल्कुल मन टूट जाता है। किसी तरह से वीडियो बना और मैं दिखाती हूँ आप लोगों को क्या हाल है मेरा अभी, ये देखिए ऐसी होती है। मेरी बेटी अभी बिल्कुल भी बिस्तर में सो नहीं रही है, अभी सुबह सुबह का टाइम है, और मैं कब से, कल परसों से सोच रही हूँ, जब से वीडियो डाली हूँ ना तब से मैं सोच रही हूँ कि सेकेंड वीडियो लाऊँ, बोली थी उसको, लेकिन हो नहीं पा रहा था, रात को सोची बनाऊँ, ये सपोर्ट नहीं करी मेरा बेटू, तो अभी मैं सोची कि क्यों ना बना दूँ, तो इस टाइप से मैं इसको गोदी में लेकर के वीडियो बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आप लोग को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूँगी तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, बाय।